देश में और खासकर बिहार प्रदेश में 40 सीटें की बिहार प्रदेश है और बिहार की जनता ने मन बना चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीरें खींचा है। देश में जाति व्यवस्था धर्म को जिस तरह से लोगों ने जकड़ करके रखा था, गरीबी में उलझा करके रखा था, जाति धर्म मजहब में फंसा करके रखा था, उसको देश और प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी निकालने का काम किया है। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम 13 करोड़ जनमानस को कोटि कोटि बधाई और आभार भी प्रकट करता हूं। जैसा आपने पूछा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी और बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री त्रिविजय सिन्हा जी, बिहार सरकार के सभी सम्मानित, मैं बिहार में गरीब परिवार में अनुसूचित जाति रविदास को जिस तरह से पार्टी ने समय समय से सम्मान करने का काम करती है, इसके लिए बिहार प्रदेश के तमाम अनुसूचित जाति भाइयों की तरफ से भी बिहार प्रदेश के नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। कौन सा विभाग कर बिहार क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना है और मुझे लगता है एक कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेवारी दायित्व तो मिलती है मैं उसको निर्वहन करने का काम करता हूँ। लोकसभा हो जाएगा कब तक आप लोग का? मैं बताया ना, दो उप मुख्यमंत्री और सरकार के अगुआ मुखिया मुख्यमंत्री जी मिल करके तय करेंगे, जब भी ये लगता है कि जल्दी से जल्दी तय हो जाए। लोकसभा चुनाव के पहले ये जिम्मेदारी मिली है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देश में और खासकर बिहार प्रदेश में 40 सीटें की बिहार प्रदेश है और बिहार की जनता ने मन बना चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीरें खींचा है। देश में जाति व्यवस्था धर्म को जिस तरह से लोगों ने जकड़ करके रखा था, गरीबी में उलझा करके रखा था, जाति धर्म मजहब में फंसा करके रखा था, उसको देश और प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी निकालने का काम किया है। बिहार प्रदेश में 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के कदमों में जाएगा। कि पशुपति पारस जो है वो नाराज चल रहे लग रहा है कि बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये परिवार का बात है, मुझे लगता है कि एक परिवार में जब लंबे कुनबा होते हैं तो हंसी खुशी से परिवार चलता है, उसमें किसी की नाराजगी होती है तो घर के मुखिया गार्जियन बैठते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। कार्यकर्ता को जो काम मिलता है कार्यकर्ता उसे करता है, तो कार्यकर्ता के रूप में जो काम मिले है निश्चित रूप से हम लोग उसको करेंगे। आज बैठक बुलाई गई है, अभी सारे मंत्री लोगों की बैठक हो रही है। जी हमारी बैठक होगी निश्चित रूप से, हमारा अभी चुनाव है, चुनाव के लेके हम लोग काम करेंगे ही। निश्चित हम लोग करेंगे लोकसभा का ही तैयारी, हमने 40 की 40 सीट और 400 पार के करेंगे तो 400 पार। तेजस्वी यादव पता नहीं अभी तो विभाग तेजस्वी यादव सवाल ऐसे कुछ नहीं होने वाला है भैया, हवा पानी हो गया।